सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम वीडियो. सो पिछले वीडियो में हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और ये वीडियो उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में है. हम यहाँ पर भी 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है पीजीटी कंप्यूटर साइंस केवीएस का, हम उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे. अब पिछले वीडियो में काफ़ी स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन था काफ़ी अच्छा आया और स्टूडेंट्स जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले आपके उन क्वेश्चंस को भी आंसर कर दूं और साथ साथ में हम इस पेपर को भी डिस्कस करें. तो एक सबसे बेसिक क्वेश्चन जो स्टूडेंट का है वो है कि सर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा. एक वीडियो ऑलरेडी जो स्वाति मैम ने एग्ज़ाम के पैटर्न से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर डाल दिया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं किस तरह से क्या पैटर्न है पीआरटी का, टीजीटी का, पीजीटी का और वाइस प्रिंसिपल के लिए जो क्या पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशंस है, वो वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है. अब जो हमारे पास एक साइकोलॉजी पोर्शन है, साइकोलॉजी एंड पेडागॉजी. सो हमारे पास जब पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए हमारे पास सिर्फ पेडागॉजी आएगा, वहाँ पर साइकोलॉजी नहीं आएगा. लेकिन जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो आपके पास टीजीटी टीचर्स के लिए आएगा और साथ साथ में जो पीआरटी टीचर्स की जो एंट्री है उसके लिए अंदर आपके पास साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो वहाँ पर ज़रूर आएगा. तो लेकिन इट्स बेटर, बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, बहुत छोटा पोर्शन है, बहुत ईजी पोर्शन है जिसको आप स्टोरी की तरह एक एंजॉय करते हुए आप सुन सकते हो. तो इट्स बेटर कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो साइकोलॉजी एंड पेडागॉजी को दोनों एक साथ प्रिपेयर किया जाए. एंड सेकेंडली जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस का जो टॉपिक्स है, देखिए यूट्यूब पर मैं जो हम लोग दो चीज़ें यूट्यूब पर हम करने की कोशिश कर रहे हैं. पहला जो आपके पास नॉन टेक्निकल पोर्शन है, मेरी कोशिश कर रही है कि जितना ज़्यादा नॉन टेक्निकल पोर्शन हम यूट्यूब पर डाल सकें, हम पूरी कोशिश करेंगे पूरा डालने की. और उसके लिए आई डोंट थिंक सो कि हम लोगों को कुछ कोर्सेज वगैरह निकालने की ज़रूरत है. लेकिन जो टेक्निकल पोर्शन है, जैसे कि मैं टेक्निकल कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, जो टेक्निकल पोर्शन है उसके जो एग्ज़ाम पेपर के सॉल्यूशंस है वो मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ. लेकिन आप चाहें तो पूरा कोर्स पीजीटी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आप हमसे ले सकते हैं. अब ध्यान दो, पीजीटी कंप्यूटर साइंस से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि यूजीसी नेट के क्वेश्चन दायक पीजीटी के पेपर में भी आए हुए हैं. इस पेपर के अंदर भी जो मैंने 2017 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लिया है, मैंने अपने पास कुछ मार्किंग्स यहाँ पर की है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो किस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आया गया है. जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस से रिलेटेड है और जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो यूजीसी नेट जून 2014 में आया गया है. तो यानी कि अगर आप ज़्यादातर पोर्शन जो यहाँ पर कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो यूजीसी नेट में भी आते हैं, तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो यानी कि वहाँ से कुछ पोर्शंस आपका टीजीटी और पीजीटी टीचर्स का कवर हो जाएगा. लेकिन कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पोर्शन है जो कि वहाँ पर कवर नहीं है, आई मीन जो सिलेबस में नहीं आता है यूजीसी नेट के, तो वो एक्स्ट्रा पोर्शन मैं यहाँ पर कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा. अब जो स्टूडेंट्स रजिस्टर करना चाहते हैं कोर्सेज के लिए, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट विच इज़ www.digimentor.com और वहाँ पर आप जाकर जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स है उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. अब ध्यान दीजिए, एक बहुत ही कॉमन जो क्वेश्चन बच्चों का था कि सर फॉर्म अभी निकले हैं तो एग्ज़ाम कब होगा. देखिए जो आपके टीजीटी और पीजीटी के जो केवीएस के जो एग्जामिनेशन हुए हैं अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंसेस, पिछले दो तीन जो पेपर जब हुए थे उनके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, जब नोटिफिकेशन निकलती हैं और जो एग्ज़ाम होता है उसके बीच में कम से कम 7 से 8 महीने का गैप होता है. तो यहाँ पर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो पेपर है, एक्चुअल जो एग्जामिनेशन होगा केवीएस पीजीटी और टीजीटी टीचर का, उसमें इस समय पर डेट्स अनाउंस नहीं है. लेकिन ऑन एवरेज पिछले कुछ जो एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें 7 से 8 महीने का गैप रहा है, तो शायद इस बार भी 7 से 8 महीने का ही गैप रहे. लेकिन मेरा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है पूरा सिलेबस कवर करने का विद इन 4 मंथ्स. हम 4 महीने में पूरा सिलेबस कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और जो पोर्शंस कवर नहीं है वो पोर्शंस भी आपको कवर करेंगे. अब अगर आप चाहो तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, कोर्सेज के लिए रजिस्टर कीजिए या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पर इस वीडियो के अंदर प्रोवाइडेड है, आप इन कॉन्टैक्ट नंबर से भी हमें कॉल कर सकते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड. पिछले वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आगे जो क्वेश्चन है वहाँ पर सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ईजी हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए और करने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपके पास इन डेप्थ नॉलेज है सब्जेक्ट की तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, चाहे वो किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में आए, आप आराम से उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे. अब ध्यान दीजिए, सिर्फ आप एक जब पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आप इस एक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक केंद्रीय विद्यालय पीजीटी की तैयारी नहीं कर रहे,
अब ये जो पीजीटी एग्जामिनेशन है ये हर एक स्टेट का अलग होता है, उसी तरीके से सब आप हरियाणा में भी जाएंगे तो हरियाणा में हमारे पास एक एच टेट एग्जामिनेशन होता है, दैट इज़ हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसी तरीके से दिल्ली के अंदर अभी जो रिसेंटली वैकेंसीज निकली थी पीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर्स के लिए, तो जो वैकेंसीज थी वो डी ट्रिप्लेस भी जो कमीशन है, जो डी ट्रिप्लेस भी जो कमेटी है, उन्होंने वो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराया था। तो उसी तरीके से आप जब यूपी में जाएंगे तो यूपी एलटी ग्रेड टीचर का एग्जामिनेशन था। तो ये मैंने नॉर्थ इंडिया के कुछ एग्जामिनेशन के नाम लिए, लेकिन उसी तरीके से इंडिया के हर एक स्टेट में दे टेक देयर ओन एग्जामिनेशन फॉर पीजीटी एज वेल एज टीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर्स। तो आप सिर्फ फोकस मत इतना मत रखिए कि आपको सिर्फ केंद्रीय विद्यालय को ही कवर करना है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया में आपके पास आ रहे हैं और जो मैंने कोर्सेज यहाँ पर बनाए हैं, तो पूरी कोशिश ये रही थी कि ऑल ओवर इंडिया में जो भी एग्जामिनेशन आएंगे, जो भी टेक्निकल कंप्यूटर साइंस के एग्जामिनेशन आएंगे, आप सिर्फ एक कोर्स से उस सारे एग्जामिनेशन को कवर कर लेंगे। आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग कोर्सेज की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम जो है वो इंटर रिलेटेड है, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है एग्जामिनेशन के पैटर्न में या सिलेबस में, और वो सभी चेंजेस मैं यहाँ पर डिस्कस ज़रूर करता हूँ, और उन चेंजेस के साथ साथ उस पर उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए ये भी मैं यहाँ पर डिस्कस ज़रूर करता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर जो ये पेपर है, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट पेपर, लेकिन साथ साथ में आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है इस एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल फॉर इवेल्युएटिंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। यानी कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का जो इवेल्युएशन है उसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा सुटेबल है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं। पोस्ट फिक्स इवेल्युएशन के लिए हम जो सबसे बेटर जो डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज़ स्टैक्स, बिकॉज स्टैक्स के अंदर हम पोस्ट फिक्स की जो एक्सप्रेशन है उसका जो सॉल्यूशन है वो हम वहाँ पर डाल सकते हैं और वहाँ से उसका आउटपुट हम लोग जो इवेल्युएशन है उसको कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसी वीडियो के अंदर एक वीडियो और मैं यहाँ पर एम्बेड करने वाला हूँ, आप देख भी सकते हैं, जहाँ पर पोस्ट फिक्स इवेल्युएशन किस तरीके से स्टैक से की जाए वो वीडियो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। आप चाहें तो इस पूरे वीडियो को देखें तो आपको एक इवेल्युएशन पता चल जाएगा कि पोस्ट फिक्स इवेल्युएशन स्टैक से कैसे करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बोलता है द मेन गोल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन गोल क्या है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सी प्रोग्रामिंग जो है, पहला सी इज ए प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट इज़ नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। दूसरा, हमारे पास सी प्लस प्लस जो है दैट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बट इट इज़ नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तीसरा है हमारे पास
जावा. अब जो जावा है दैट इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज वहाँ पर हर चीज़ क्लासेस के अंदर आती है. अब जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो बेसिकली डिज़ाइन होती है रीयूज़ के लिए, यानी कि एक फंक्शंस एक मेथड जो आप ऑलरेडी बना चुके हैं आप बार बार उस मेथड का एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसको रीयूज़ कर सकते हैं अलग अलग केसेस में. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, यानी कि एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लीजिए. उसी तरीके से आपके पास एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है, आपके पास बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही आपको मिलेंगे. तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसका मेन जो आइडिया है, जो द मेन आइडिया ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजिंग. दैट मीन्स आप किसी फंक्शन को, किसी मेथड को, किसी फंक्शनैलिटी को आप रीयूज़ कर सकते हैं और कुछ ऐसे चाइल्ड बना सकते हैं जो कि अपने पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करे. तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास टॉप डाउन प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम डेवलपमेंट इज़ नॉट एट ऑल बेनिफिट ऑफ और गोल ऑफ यू डूइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. दूसरा स्पीड. अब देखिए स्पीड का आप ध्यान दीजिए, जब हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ मच फास्टर एज़ कम्पेयर टू योर जावा. अब जितने ज़्यादा फीचर्स किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐड करेंगे वो लैंग्वेज उतनी ही ज़्यादा स्लो होती चली जाएगी. तो बेसिकली देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. जब आप कंपाइलेशन करते हैं, आपको पता है कि हम कंपाइलर के फेजेस कौन से होते हैं, एक थोड़ा सा मैं कवर करें तो अच्छा रहेगा. आपके पास एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, आप इस हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को इनिशियली देते हैं प्री प्रोसेसर के पास और प्री प्रोसेसर आपको देता है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम. इस प्योर हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम को आप देते हैं कंपाइलर के पास और कंपाइलर आपको देता है एक असेंबली कोड, असेंबली कोड ओके, और कैसे जिसको आप देते हो असेंबलर के पास. असेंबलर आपको देता है मशीन कोड जिसको आप देते हैं लोडर एंड लिंकर के पास और लोडर एंड लिंकर फर्दर हमें देता है एग्जीक्यूटेबल कोड. सो रफली ये एक ऐसी प्रोसेस है जब आप किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगी. और जो कंपाइलर हमें देगा यहाँ पर असेंबली कोड, असेंबली कोड, और ये जो असेंबलर है ये हमें देगा मशीन कोड. अब मशीन कोड को हम लोड और लिंकिंग के बाद हमारे पास जो मिलता है वो होता है हमारे पास एग्जीक्यूटेबल कोड. अब ये जो कंपाइलर है इस कंपाइलर के अंदर फर्दर फेजेज़ हैं, जिस तरीके से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल जो यहाँ पर फेजेज़ हैं उसमें से हमारे पास होता है कि टोकनाइज़र, जिसको हम सबसे पहले बोलते हैं लेक्सिकल एनालाइज़र. सबसे पहला फेज होता है कंपाइलर के अंदर लेक्सिकल एनालाइज़र. लेक्सिकल एनालाइज़र के बाद होता है हमारे पास सिंटेक्स एनालाइज़र, सिंटेक्स एनालाइज़र. सिंटेक्स एनालाइज़र के बाद होता है हमारे पास सिमेंटिक एनालाइज़र, सिमेंटिक एनालाइज़र. उसके बाद हमारे पास सिमेंटिक एनालाइज़र जो है वो हमें एक पास्ट देगा जो कि वेरीफाइड है सिमेंटिकली, और जिसको हम देंगे इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के पास, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के पास. और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर हमें देता है एक थ्री एड्रेस कोड जिसको हम देते हैं कोड ऑप्टिमाइज़र के पास. और कोड ऑप्टिमाइज़र से हमें जो ऑप्टिमाइज्ड कोड मिलता है हम उसको देते हैं टारगेट कोड जनरेटर के पास, टारगेट कोड जनरेटर के पास. ठीक है, टारगेट कोड जनरेटर जो फर्दर हमें देता है यहाँ पर असेंबली कोड. ठीक है, अब ये जो हमारे पास सिंटेक्स एनालाइजर है और सिमेंटिक एनालाइजर है दे टेक्स समथिंग कॉल्ड एज ए ग्रामर. अब इस ग्रामर का यूज़ क्या है, दिस ग्रामर विल टेल कि आपने जो प्रोग्राम दिया है, जो प्रोग्राम आपने दिया है वो प्रोग्राम वैलिड है या नहीं है, क्या उसके अंदर कोई सिंटेक्टिकल मिस्टेक्स है या नहीं है. तो सिंटेक्स एनालाइजर और सिमेंटिक एनालाइजर का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने किसी प्रोग्राम को दिया उस प्रोग्राम के अंदर सिंटेक्स मिस्टेक्स है या नहीं है, अगर है तो आप उसको बता दीजिए कंपाइल टाइम पर कि आपके पास कोई सिमेंटिक मिस्टेक्स हैं. अब जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप फीचर्स को ऐड करेंगे उतनी ही ये ग्रामर जो है उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी, और जितनी ज़्यादा ये प्रोग्राम ग्रामर कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी उतना ही टाइम आपको लगेगा, उतना ही टाइम इंक्रीज होगा इन दो फेज में जिसको हम बोलते हैं सिंटेक्स एनालाइजर एंड सिमेंटिक एनालाइजर. सिंटेक्स एनालाइजर और सिमेंटिक एनालाइजर है ये एक पार्स ट्री जनरेट करता है और इस पार्स ट्री की हेल्प से हम बता पाते हैं कि प्रोग्राम करेक्ट है या नहीं है. अब ध्यान दो, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामर उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा ये पार्स ट्री जनरेट करने के लिए, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा पार्स ट्री जनरेट करने के लिए यानी कि जो हमारा कंपाइलर है वो उतना ही ज़्यादा
स्लो हो जाएगा, अब कंपाइलर जो है उतना ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इसी वजह से जब हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, सी प्लस प्लस की जब हमने इंप्लीमेंटेशन करी, सी प्लस प्लस में, तो जो सी प्लस प्लस है उसकी जो ग्रामर है वो थोड़ी सी और ज़्यादा डिफिकल्ट हुई। उसके अंदर डिफिकल्ट तो क्या, बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सी प्लस प्लस है उसके अंदर हम एक्स्ट्रा फंक्शंस को ऐड कर दिया। अब उसी तरीके से जब आप एक ग्रामर देखते हो जावा की और जावा ग्रामर देखते हो सी लैंग्वेज की, तो दोनों की ग्रामर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि जावा के अंदर और भी ज़्यादा फीचर्स हैं, और भी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि सी के अंदर नहीं है, और भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हैं। तो अब जितने ज़्यादा फीचर्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऐड करेंगे, आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उतनी ही ज़्यादा स्लो भी होती चली जाएगी। तो जब आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को ऐड किया एज़ कम्पेयर टू प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पीड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास दिया गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक जो गोल है वो स्पीड है, स्पीड नहीं है, बेसिकली स्पीड गोल नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेजर गोल है वो है रीयूज़, और हमने उसको इस तरीके से बनाया है कि वो मासेस के लिए बनाई जा सके। कहने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ यू हैव टू मेक सम कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब वो जो कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है सी में बनाना, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट एट द सेम टाइम इट विल बी फास्ट। लेकिन अब वही सॉफ्टवेयर को, अगर उसी प्रोग्राम को या उसी सॉफ्टवेयर को हमें जावा में बनाना है तो जावा में और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। द रीज़न क्या है कि जावा के अंदर बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, जो मेथड्स हैं, वो ऑलरेडी इनबिल्ट अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जावा के अंदर वही सेम चीज़ें जो आप सी में करना चाहते हो वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी आपके पास इनबिल्ट अवेलेबल हैं। तो बेसिकली वो इनबिल्ट इसलिए अवेलेबल है बिकॉज आप उसको रीयूज़ कर सकते हो, और दूसरा वो आपकी लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग को और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड एक यहाँ पर एक गोल नहीं है, और दूसरा यूज़र इंटरफेस भी कोई गोल नहीं है यहाँ पर। द ओनली गोल हियर इज़ द रीयूज़। तो ट्वेल्थ का जो आंसर है वो है रीयूज़। ठीक है, अब देखो थर्टीन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन एक्टिव सर्वर पेजेस, यानी कि ASP जो है एक्टिव सर्वर पेजेस, उसके अंदर डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सी है। देखो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखने तक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन ASP जो डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो आपके पास है VBScript। ठीक है, तो यहाँ पर VBScript हम यूज़ करते हैं। डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज़ नॉट JavaScript, इट इज़ नॉट PHP एंड इट इज़ नॉट HTML। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, विच इज़ VBScript। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वट इज़ the bit rate for transmitting uncompressed 800x600 pixel color frame with 8 bits per pixel at 40 frames per second। अब देखो ये क्वेश्चन जो है कितना ईजी है, कि अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग, गिवन है वट इज़ द बिट रेट फॉर ट्रांसमिटिंग अनकम्प्रेस्ड पिक्सल फ्रेम। देखिए एक स्क्रीन है इस तरीके, क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है, एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन में हमारे पास 800 पिक्सल्स इस तरीके से हैं और 600 पिक्सल्स इस तरीके से हैं। ठीक है, दीज आर दीज मेनी पिक्सल्स। तो पूरी स्क्रीन में टोटल कितने पिक्सल्स होंगे, दे विल बी 800x600 पिक्सल्स, दीज मेनी पिक्सल्स विल बी देयर। अब दूसरा क्या है कि पिक्सल कलर फ्रेम विद 8 बिट्स पर पिक्सल, यानी कि देखिए जिस पूरी स्क्रीन पर जो भी हमारे पास पिक्सल्स होंगे, पिक्सल जो बेसिकली किस तरीके से होंगे, इस तरीके से जो स्क्वायर में डिवाइडेड होते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये एक पिक्सल है, तो इस पिक्सल के अंदर हम 8 बिट की इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर रहे हैं जो कि कलर इन्फॉर्मेशन है। विद द हेल्प ऑफ 8 बिट्स यू कैन डिनोट 2^8 कलर्स विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 256 कलर। जो स्क्रीन है इसके अंदर एक पिक्सल के अंदर आप 256 डिफरेंट कलर शेड्स को आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो यानी कि एक पूरी जो स्क्रीन है इसका टोटल साइज कितना हो गया, दीज मैनी पिक्सल्स मल्टीप्लाइड बाई 8 बिट्स। तो इतनी इन्फॉर्मेशन से आप एक इमेज को जनरेट कर सकते हैं। अब वो आगे क्या बोलता है कि हमारे पास इस तरीके से हमें 40 फ्रेम्स पर सेकेंड यूज़र को दिखाने हैं, यानी कि एक सेकेंड में इस तरह की 40 जो स्क्रीन्स है वो फ्लैश करनी है। तो कितनी हमारे पास टोटल जो डेटा है एक सेकेंड में कितना जनरेट होगा, इस पूरे को आप 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो नंबर आएगी आपके पास टोटल उतना जनरेट डेटा जनरेट होगा। तो अगर इसको हम लिखते हैं, सो इट इज़ 40 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 10^4 मल्टीप्लाइड बाई 8 बिट। ठीक है, तो ये बिट्स के अंदर डेटा गिवन है। अब फर्दर इस जीरो को हटा सकते हैं तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 10^5 बिट्स।
ठीक है, इस मल्टीप्लीकेशन को कीजिए तो मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा आपके पास, दिस विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज 32 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज 48 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ पावर 5 बिट्स। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगी, आप ऑलरेडी कैलकुलेटेड जो नंबर है वो है 153.6 मेगा बिट्स पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा ये स्मॉल बी है, क्वेश्चन के अंदर आपको यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट की गई है वो स्मॉल बी यूज़ की गई है, यानी कि स्मॉल बिट। हम अगर कैपिटल बी लिखा होगा यानी कि जो यूनिट है वो बाइट के अंदर गिवन है, अगर स्मॉल बी लिखा होगा यानी कि जो यूनिट है वो बिट्स के अंदर गिवन है। तो यहाँ पर जो बी है ये स्मॉल बी है, इसका मतलब है कि मेगा बिट्स के अंदर गिवन है। अगर इस मल्टीप्लीकेशन को भी आप करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन आएगा 1536। तो बेसिकली ये जो मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन इसके इक्वल है 1536 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ पावर 5 बिट्स। अब हमें पता है कि हम लोग 10 रेज़ पावर 3 को हम बोलते हैं किलो, 10 रेज़ पावर 6 को हम बोलते हैं मेगा एंड 10 रेज़ पावर 9 को हम बोलते हैं गीगा। तो ये जो टोटल आएगा आपके पास, दिस इज 153.6 इंटू 10 रेज़ पावर 6 बिट्स, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज 153.6 मेगा बिट्स पर सेकेंड। तो ये आपके पास आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन C++ से है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, एज्यूम द C++ डेफिनेशन विच इज क्लास सर्कल पब्लिक पॉइंट, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। देखो जब आप यहाँ पर चेक करोगे क्लास सर्कल पब्लिक पॉइंट, तो यहाँ पर ये जो पब्लिक पॉइंट है इसका मतलब क्या है कि जो सर्कल क्लास है वो जो है वो एक पेरेंट क्लास है, और सॉरी जो पॉइंट है वो एक आपके पास पेरेंट क्लास है, और सर्कल जो है वो आपकी डिराइव्ड क्लास है। यानी कि पॉइंट एक अपर क्लास है, यानी कि जो पॉइंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सर्कल यूज़ कर रहा है, वो सर्कल यूज़ कर रहा है। देयरफॉर पॉइंट इज अ बेस क्लास एंड सर्कल इज ए डिराइव्ड क्लास, सर्कल इज अ चाइल्ड ऑफ पॉइंट। नाउ दे हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से कौन सा फॉल्स होगा। ऑप्शन ए, पॉइंट इज अ बेस क्लास एंड सर्कल इज अ डिराइव्ड क्लास, विच इज परफेक्टली ट्रू। ऑप्शन बी, द कॉलन इन द हेडर ऑफ द क्लास डिफाइंस द इंडिकेट्स द इनहेरिटेंस। ऑब्वियसली ये जो कॉलन है यहाँ पर वो इनहेरिटेंस को इंडिकेट करता है। तीसरा, द कीवर्ड पब्लिक इंडिकेट द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। सो किस टाइप की इनहेरिटेंस है, इज अ पब्लिक इनहेरिटेंस। द नेक्स्ट वन इज ऑल पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ क्लास सर्कल आर इनहेरिटेड एज अ पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स रिस्पेक्टिवली इनटू द क्लास पॉइंट, दैट इज फॉल्स। क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो नहीं होंगे। आप सबसे पहले चेक कीजिए कि जब इनहेरिटेंस आप करते हैं तो अगर हम पब्लिक लिखते हैं तो पब्लिक लिखने से क्या होगा, तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड में कौन कौन से हमारे पास जो फंक्शंस हैं, कौन कौन से जो मेथड्स हैं वो हमारे पास आएंगे। हमारे पास कुछ ऐसे वेरिएबल्स हो सकते हैं जो पब्लिक हैं और कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग जावा स्टेटमेंट डिक्लेयर एंड एलोकेट टू डायमेंशनल अरे इंटीजर विथ 4 रोज एंड 5 कॉलम्स। यानी कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट से हमारे पास 4 रोज और 5 कॉलम डिक्लेयर होने वाले हैं। अब देखिए जावा में जब हम अरेज डिक्लेयर करते हैं तो वो किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। अरेज को डिक्लेयर करने के लिए हम कैसे करते हैं, इंटीजर अरे, ओके। अगर ये हमारे पास वन डायमेंशनल अरे है तो वन डायमेंशनल अरे का मतलब है कि हम लोग इस तरीके से सिर्फ एक ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अगर हम टू डायमेंशनल अरे हैं तो हम उसके अंदर दो ब्रैकेट्स लगा सकते हैं इस तरीके से, 2D अरे के केस में। अब देखिए जो ब्रैकेट्स की पोजीशन है, ये जो पोजीशन है ये वो यहाँ पर एंडिंग में भी हो सकती है और उसी तरीके से पोजीशन यहाँ पर बिगनिंग में भी हो सकती है, और उसी तरीके से जो दोनों ब्रैकेट्स है बिगनिंग में भी हो सकते हैं और एंड में भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ब्रैकेट बिगनिंग में और ब्रैकेट एंडिंग में है। तो जो तीनों डिक्लेरेशन है वो परफेक्टली करेक्ट है। अगर हम इस तरीके से भी टू डायमेंशनल अरे डिक्लेयर करें, दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली करेक्ट। अगर हम इस तरीके से टू डायमेंशनल अरे डिक्लेयर कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली करेक्ट। लेकिन डिक्लेयर करने का मतलब ये नहीं है कि हमने उसको साइज अलोकेट कर दिया। तो साइज अलोकेट करने के लिए हमें इस अरे का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, देखो यहाँ पर हमें डिक्लेयर करना है टू डायमेंशनल अरे विथ 4 रोज एंड 5 कॉलम्स। तो किस तरीके से करेंगे, इंटीजर अरे, सो इट इज सेइंग दैट इट इज अ टू डायमेंशनल अरे, इज इक्वल टू न्यू इंटीजर विथ 4 रोज एंड 5
कॉलम। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से एक अरे डिक्लेयर हो जाएगा जिसके अंदर चार रोज हैं और पांच कॉलम हैं। अब चेक करो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में हम लोग एक टू डायमेंशनल अरे डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन उस केस में हमारे पास पांच रोज हैं और चार कॉलम हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट नहीं है, बिकॉज ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर टू एंड थ्री, वो अगर सी प्रोग्रामिंग होती तो वो ठीक था, या फिर अगर सी प्लस प्लस होती तो भी वो ठीक था, लेकिन जावा में इस तरीके से हम साइजेस नहीं देते हैं, क्योंकि जावा में अरेज आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड एज ऑब्जेक्ट्स। हमें अरेज का के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है, लेकिन सी और सी प्लस प्लस में अरेज जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो जावा में जो डिक्लेरेशन है अरे की और किस तरीके से आप उसको साइज एलोकेट करेंगे, मेमोरी एलोकेट करेंगे, वो काफ़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सी एंड सी प्लस प्लस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू एंड ऑप्शन नंबर थ्री बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग। अब चेक कीजिए ऑप्शन नंबर फोर दैट इज अ करेक्ट, बिकॉज ये एग्जैक्टली सेम डिक्लेरेशन है जो हमने यहाँ पर आपको दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्स ओनली द एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड दस एनहेंसेस इट्स स्पीड इज रेफर्ड टू एज। तो हमें सिर्फ कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस यानी कम से कम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना है, ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को नहीं करना। सो ऑब्वियसली दैट विल बी समथिंग कॉल्ड रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन। तो मैं आपको बताऊंगा बेसिकली होता क्या है, और जिससे बेसिकली हम जितनी कम इंस्ट्रक्शंस रखेंगे उतनी ज़्यादा प्रोसेसर की जो स्पीड है वो एनहांस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है हमारे पास, पहला है हमारे पास MIMD, तो MIMD का मतलब है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। दूसरा होता है हमारे पास CIS, दूसरा यहाँ पर जो गिवन है दैट इज CISC, और CISC का मतलब है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग या फिर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो हमारे पास सिस्क एक आर्किटेक्चर है, उसी तरीके से RISC एक आर्किटेक्चर होता है, RISC मतलब RISC यानी कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और यहाँ पर गिवन है SIMD जिसको हम बोलते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। तो जब यहाँ पर एक आर्किटेक्चर की बात की गई है, माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर की बात की गई है, तो माइक्रो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट विल बी RISC आर्किटेक्चर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप मेरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जो वीडियोज़ हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के वीडियोज़ में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो लेट मी जस्ट रब द स्क्रीन बिफोर आई डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 18 हियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दे आर सेइंग द 10 सिग्नल्स रिक्वायर्स 3000 हर्ट्ज, ईच सिग्नल रिक्वायर्ड 3000 यानी कि हमें 10 सिग्नल को हमें ट्रांसमिट करना है, यहाँ पर एक सिग्नल को 3000 हर्ट्ज की रिक्वायरमेंट है, आर मल्टीप्लेक्स ऑन टू अ सिंगल चैनल यूजिंग FDMA दैट मीन्स फ्रिक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग। हाउ मच मिनिमम बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड फॉर मल्टीप्लेक्स चैनल एज्यूम द गार्ड बैंडविड्थ आर 300 हर्ट्ज। तो सबसे पहले आपको उसमें पता होना चाहिए गार्ड बैंडविड्थ होती क्या है। देखिए अगर आपके पास दो सिग्नल ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि ये एक सिग्नल है, इस सिग्नल को हमारे पास एक्स हर्ट्ज की रिक्वायरमेंट है, और ये जो दूसरा सिग्नल है इस दूसरे सिग्नल को भी हमारे पास एक्स हर्ट्ज की रिक्वायरमेंट है। अब इन दोनों सिग्नल के बीच में जो हम एक बीच में ऐसे बैंडविड्थ को यूज़ करेंगे जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सके कौन सा सिग्नल है, उसको हम बोलते हैं गार्ड बैंडविड्थ। तो यहाँ पर एज्यूम गार्ड बैंडविड्थ हमारे पास वाई हर्ट्ज है। तो यहाँ पर अगर हमें दो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है तो दो सिग्नल के बीच में हमारे पास सिर्फ एक ही गार्ड बैंडविड्थ यूज़ होगी, तो उस केस में हमारे पास टोटल बैंडविड्थ कितनी होगी, दैट विल बी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स विच इज़ 2x प्लस वाई। ठीक है, अगर हमारे पास तीन सिग्नल हमें ट्रांसमिट करने होते तो तीन सिग्नल्स के केस में हमारे पास दो गार्ड बैंडविड्थ यूज़ होती और तीन सिग्नल हमारे पास एक्स हर्ट्ज के यहाँ पर यूज़ होते। तो तीन सिग्नल के केस में तो टोटल हमारे पास बैंडविड्थ यूज़ होती दैट इज़ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स हर्ट्ज विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 3x प्लस 9y। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हमारे पास ये जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू इज़ 3000 और जो गार्ड बैंडविड्थ की जो वैल्यू है दैट इज़ 300। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 3000 हर्ट्ज है और गार्ड बैंडविड्थ की वैल्यू है 300। तो अब हमें बताओ कि अगर हमें 10 सिग्नल्स को इस तरह से ट्रांसमिट करना है तो टोटल बैंडविड्थ आपके पास कितनी होगी। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास इस तरीके से हमें अगर 10 सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है तो 10 सिग्नल्स के केस में हमारे पास 9 गार्ड बैंडविड्थ होंगी, 9 गार्ड बैंडविड्थ प्लस 10 सिग्नल्स की बैंडविड्थ। तो 9 गार्ड बैंडविड्थ के अंदर यू आर गोइंग टू यूज़ 9 मल्टीप्लाइड बाई 300 हर्ट्ज, और जो 10 सिग्नल्स की बैंडविड्थ है उसमें आप एवरी सिग्नल विल टेक 3000 हर्ट्ज, तो जो कि होगा आपके पास 30000 हर्ट्ज। तो जो इसका आंसर बनेगा दैट विल बी 32700
हर्ट्ज़, तो आप दोनों को ऐड कीजिए तो उसके पास आएगा 32,700 हर्ट्ज़, यानी कि पूरे सिग्नल की जो बैंडविड्थ होगी, जो पूरी बैंडविड्थ है पहले से लेकर लास्ट सिग्नल तक, टोटल बैंडविड्थ की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 32,700 हर्ट्स। तो इसकी जो आंसर, इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री। ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपके पास जावास्क्रिप्ट से है। सो दे आर सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन जावास्क्रिप्ट विल डिस्प्ले अ विंडो हैविंग अ डायलॉग बॉक्स विद अ स्पेसिफिक मैसेज लॉन्ग विद ओके एंड अ कैंसल बटन एज ऑप्शन। तो देखिए, देखो हमारे पास चार ऑप्शन है यहाँ पर। पहला है प्रॉम्प्ट, दूसरा अलर्ट, तीसरा कन्फर्म एंड चौथा रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट किस लिए यूज होता है? सो प्रॉम्प्ट displays a dialog box that prompts the user to input some values. आप यूजर से कुछ वैल्यू को लेना चाहते हैं, उससे आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं। आपके पास एक स्क्रीन के ऊपर एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर आया होगा। दूसरा है हमारे पास अलर्ट। अब देखिए, अलर्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अलर्ट का मतलब क्या है कि यूज़र को किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में अलर्ट करो, और यूज़र जब ओके बटन को क्लिक करे तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी चली जाए। तो यहाँ पर अलर्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तीसरा है कन्फर्म। कन्फर्म क्या है? कन्फर्म बेसिकली अगर यूज़र ने कोई इन्फॉर्मेशन डाली है तो वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है, उसको कन्फर्म करने के लिए हम कन्फर्म डायलॉग बॉक्स का यूज़ करते हैं। और चौथा है रिक्वेस्ट, और जो रिक्वेस्ट है बेसिकली ये HTTP रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो सभी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गए होंगे, आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा कि इन चारों के अंदर डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास टू डिक्लेयर द वर्जन ऑफ XML द करेक्ट सिंटेक्स इज। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इस केस में जो करेक्ट सिंटेक्स हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज ओपनिंग ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क XML वर्जन इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमास 1.0 इस तरीके से। तो सॉरी, यहाँ पर हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ नहीं करते। तो अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आप चेक करेंगे तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन नंबर वन इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर वन रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया गया है। ऑप्शन नंबर जो टू है वो भी आपके पास ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर टू यहाँ पर एग्जैक्टली थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस क्या है कि ऑप्शन नंबर वन में एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया गया है, प्लस यहाँ पर स्लैश साइन है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्वेश्चन मार्क साइन होता है, तो इस वजह से आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर वन एंड थ्री दोनों गलत होंगे। और ऑप्शन नंबर टू और फोर में इसने, ऑप्शन नंबर फोर जो है वहाँ पर बेसिकली प्रिंटिंग मिस्टेक और टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि वहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर एस्टरिस्क का साइन हैश का दिया गया है। तो जो ऑप्शन नंबर फोर है वो करेक्ट होना चाहिए, बट सम स्पेलिंग मिस्टेक शुड बी करेक्टेड। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से।